हाय गाइस, मैं नमन नाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं और आपका 1 GB का प्लान चल रहा है या 2 GB का प्लान चल रहा है और मान के चलिए अचानक आपका जो डेटा जो है आपका खत्म हो जाता है और उसके बाद आप दूसरे दिन का इंतजार करते हैं आपका 1 GB प्लान आने के लिए, तो ऐसे में आप जो है छोटा रिचार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल पर घर बैठे ही। और मान के चलिए दोस्तों कि जियो की ओर से अगर कोई ऑफर आ रहा है नया, तो उसे भी आप जो अपने मोबाइल पर घर बैठे ही देख सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी रिटेलर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा प्लान चल रहा है, कौन कौन सा प्लान आने वाला है, वो सारी की सारी बातें आप जो है घर बैठे ही देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही रिचार्ज कर सकते हैं अपने माई जियो ऐप से। तो आपको अपने मोबाइल पर ये माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल पर, माई जियो एप्लीकेशन। और उसके बाद जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल पर और आपके मोबाइल में जब जियो सिम लगा होगा, तो जब इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सिम जो है इस एप्लीकेशन के जरिए से साइन इन हो जाएगा और इस एप्लीकेशन में आपके मोबाइल की जो है सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं माई जियो एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को हमने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप इसे गूगल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, माई जियो एप्लीकेशन। इस ऐप के अंदर में आप अपने मोबाइल नंबर को यहां पर देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। आप अपने मोबाइल नंबर को देख सकते हैं, आपने कौन सा प्लान लिया है। 499 का प्लान है, यहां पर देख सकते हैं कि हमने 499 का प्लान लिया है, 499 का प्लान दे रहा है। उसके बाद यहां पर 1 GB डेली बाय डेली हमको मिलता है और यहां पर आप इस पर ही देख सकते हैं कि आपने कितना MB यूज़ किया, कितना MB आपका बचा हुआ है, यहां पर दिखाई देगा आपको। उसके बाद अगर रिचार्ज पर आप क्लिक करेंगे तो रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप के अंदर में आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्लान है, 1 GB का प्लान है, 2 GB का प्लान है, ठीक है। जो भी प्लान आपको चाहिए उस प्लान पर आप क्लिक करके उसकी डिटेल आप देख सकते हैं कि वो प्लान कितने का है, उस प्लान को आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी कोई भी अगर एप्लीकेशन जियो की अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो ये सारी एप्लीकेशन आप अगर इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बगल में कि यहाँ पर डाटा चेक है 1 GB। यहाँ पर अगर आप जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपने कितना MB यूज़ किया है, कितना आपका बचा हुआ है, ये डेटा आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि छोटा रिचार्ज। तो दोस्तों यहाँ पर डाटा बूस्टर में ये छोटा रिचार्ज है। मान के चलिए अगर आपका MB खत्म हो जाता है, 1 GB का प्लान आपका खत्म हो जाता है और बीच में अगर आपको MB की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस प्लान को यूज कर सकते हैं। तो इस प्लान में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 रुपये का रिचार्ज है और इसी 11 रुपये के रिचार्ज में अगर आप यहाँ पर नीचे में जो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे डिटेल दिखा देगा कि इस 11 रुपये के रिचार्ज में आपको कितना MB डेटा आपको मिलने वाला है और कितनी इसकी वैलिडिटी है और कितना इसमें आपको वॉइस मिनट मिलेगा, ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 11 रुपये के रिचार्ज में 100 MB का प्लान है, 100 MB आपको डाटा आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप 51 रुपये के अगर रिचार्ज पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको 1 GB डेटा मिल रहा है, ठीक है, तो 1 GB डेटा आपको मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इस तरह से कोई भी प्लान अगर आपका रिचार्ज खत्म होने के बाद जो है आप ये सारी प्लान जो है डाटा बूस्टर प्लान आप यूज कर सकते हैं। यानी आपका जब 1 GB प्लान या 2 GB प्लान खत्म हो जाता है, MB आपका खत्म हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपको MB की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे जो है डाटा बूस्टर में क्लिक करके अपने इन प्लान में से किसी भी प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये प्लान सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से उसे जो है पे कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप यहाँ डेबिट कार्ड पे क्लिक करके, ठीक है, पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना जो है कार्ड का सीरियल नंबर वगैरह सारा चीज़ डाल करके, पूरा डिटेल डाल करके आप यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट पे जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जब वो OTP आप यहाँ पे डालेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसा कट जाएगा 51 रुपये और आपका रिचार्ज हो जाएगा, आप घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।